How much blood is in your body? जब तक आप रात में डरावनी भूत वाली मूवी ना देख रहे हो, ब्लड ना डोनेट करो या फिर आपकी फिंगर ना कट हो, तब तक आप ब्लड के बारे में शायद ही सोचते हो। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है और ये लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए ब्लड के बारे में जानते हैं, जिसे हार्ट पूरी बॉडी में पंप करता है। ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है, जो ब्लड का लगभग 55% हिस्सा होता है। प्लाज्मा में 90-92% वाटर होता है और 6-8% प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स प्लाज्मा के मेजर प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन ब्लड कोएग्यूलेशन में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन का प्राइमरी फंक्शन बॉडी को कीटाणुओं से बचाना होता है, जबकि एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करता है। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को एक साथ फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं और ये ब्लड का लगभग 45% होता है। इरिथ्रोसाइट को कॉमनली रेड ब्लड सेल या RBC कहते हैं और ये ब्लड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। RBC एडल्ट्स के रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है। RBC की लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, उसके बाद ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैमल्स के RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, एक्सेप्ट लांबा एंड कैमल। RBC का शेप बाइकॉनकेव होता है। RBC में रेड कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है और इसके कारण इन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स WBC कहते हैं और ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ल्यूकोसाइट्स मेनली दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स एग्रेन्युलोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी में एंटर नहीं होने देना चाहते हैं। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन सिक्रीट करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इओसिनोफिल्स इन्फेक्शन और एलर्जी से बचाते हैं। लिम्फोसाइट्स मेनली दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दोनों लिम्फोसाइट्स बी और टी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और ये बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से बनते हैं। प्लेटलेट्स कई तरह के सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो ब्लड कोएग्यूलेशन में हेल्प करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है। साइंटिस्ट्स ने ये पाया है कि ह्यूमन बॉडी में उनकी बॉडी का लगभग 7% पार्ट ब्लड होता है। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी का वेट 65-80 किलोग्राम होता है, जो लगभग 4.5-5.5 लीटर ब्लड कंटेन करता है। एक एवरेज चाइल्ड का बॉडी वेट 35-38 किलोग्राम होता है और ये एडल्ट बॉडी का लगभग हाफ होते हैं। आइए मेडिकल एग्जाम्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। विच वन इज नॉट अ WBC? 1. लिम्फोसाइट, 2. थ्रोम्बोसाइट, 3. मोनोसाइट, 4. बेसोफिल। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जिपमर 2008। Solution: Thrombocytes are blood platelets and they are produced from megakaryocytes in bone marrow. Hence, correct option is 2. Which one are granulocytes? 1. Neutrophils, basophils, lymphocytes. 2. Eosinophils, basophils, monocytes. 3. Basophils, monocytes, lymphocytes. 4. Neutrophils, eosinophils, basophils. This question was asked in NEET 2013.
Solution. Leukocytes or white blood cells have two main categories, granulocytes and agranulocytes. Neutrophils, eosinophils and basophils are different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. Hence, the correct option is 4. How much blood is present in adult human body? 1. 3 liters. 2. 8 to 9 liters. 3. 4.5 to 5.5 liters. 4. 3.5 to 4 liters. This question was asked in CHIPMA 2014. Solution. A human adult body with a weight of 65 to 80 kilograms will contain approximately 4.5 to 5.5 liters of blood. Hence, correct option is 3. This video concludes about components and amount of blood in humans. To know more about blood, visit our next video. Please like, share and comment on the video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. For more interesting and educational videos to earn while you learn, download Extraclass app from Google Play Store and get rewarded for studying.